हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आपके सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू होंडा एस पी वन ट्वेंटी फ़ाइव दोस्तों ये होंडा की एस पी वन ट्वेंटी फाइव है दोस्तों आपको पता है ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में वन ट्वेंटी फ़ाइव सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोग दोस्तों से बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं दोस्तों इस वीडियो में इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्या प्राइस आती है क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ अगर आप इस बाइक के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ठीक है मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी इतनी नॉलेज दूँ ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े उससे पहले आपको बता दूँ अगर आप होंडा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो जीके होंडा में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों जेके होंडा का जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए आ जाते हैं दोस्तों इसके रिव्यू में सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जाहिर सी बात है और कोई भी चीज़ ख़रीदने वाले हैं ख़रीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है जितना दोस्तों हमारे पास बजट होता है जितना हमारे पास पैसा होता उसके है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं दोस्तों आपको बता दूँ इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है एक आप डिस्क वाली ले सकते हैं एक नॉन डिस्क ले सकते हैं अगर आप डिस्क के में साथ में जाएंगे तो लगभग नाइन्टी वन थाउजेंड एक रूम प्राइस आती है और आप देख सकते हैं दोस्तों ये टॉप मॉडल डिस्क वाला मॉडल ही है अगर आप नॉन डिस्क मॉडल लेंगे तो उसमें दोस्तों आप लोगों को जो है ना डिस्क नहीं मिलेगा नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलेगा जिससे आपको सी मिलेगा जिससे कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सी बी एस प्लस डिस्क यहाँ पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है हालांकि मैं आपको यही सजेशन करता हूँ कि आपको डिस्क वाले मॉडल के साथ में जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों उसमें आपको जो ब्रेकिंग है आपको बहुत बेहतर मिल जाएगी चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के डिटेल रिव्यू में सबसे पहले दोस्तों आते हैं इस बाइक की फ्रंट लाइन में दोस्तों आप देखेंगे फ्रंट में यहाँ आप पे आपको इसमें फुली जो एल ई डी लाइट हो आपको इस बाइक पर देखने को मिल जाती है एक लो भी और एक हाई भी में लाइट की जो क्वालिटी दोस्तों कंपनी ने आप पे काफ़ी अच्छी ऑफर की हुई है नोट और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो लाइट की कीसन प्लस विजिबिलिटी है वो भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी प्लस यहाँ पे आपको एक होंडा की जो बैचिंग है वो दोस्तों आपको इस बाइक में मिल जाता है लाइट इसकी बहुत अच्छी है यहाँ पे आपको एक एल की बैचिंग मिल जाती है और दोस्तों अगर आपको हेलोजन लाइट चाहिए तो आप साइन के साथ में जाइए बट अगर आपको एलईडी लाइट चाहिए तो आप इसके साथ में जा सकते हैं जो टनच सिंगल है आपको नॉर्मल यहाँ पे बल्ब देखने को मिलेंगे बाकी वंडर गे है तो भाई क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत सुपर मिल जाएगी फ्रंट में इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं दोस्तों आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे बट सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो भी आपको दोस्तों इस बाइक पे बहुत अच्छी मिलती है कंपनी ने काफ़ी अच्छी जो सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर किया हुआ है टायर साइज में फ्रंट में आपको एटी हंड्रेड के आसपास का टायर साइज फ्रंट में मिलेगा बात करें ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको नॉर्मल सिंगल जो डिस्क है आपको इसमें देखने को मिल जाता है और मैं बात करूँ दोस्तों साइज तो 240, 240 mm आप के, कर के, के बारे में टू फोर्टी देखने को मिलेगी वैसे आपको इंजन टाइप में इस बाइक में आपको वन ट्वेंटी फोर सीसी का एयरकूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर जो इंजन है दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है बात करें इसके पावर एंड टॉर्क के बारे में दोस्तों मैक्सिमम पावर में टेन पॉइंट सेवन का पी एस पावर जनरेट करती है एंड टेन पॉइंट नाइन के आसपास का जो इंटरमीडियन टॉवर का दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा यानी दोस्तों इस बाइक में आपको पावर एंड जो जो टॉर का दोस्तों वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है जिसकी परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है कूलिंग सिस्टम इस बाइक में आपको एयर कूलिंग इंजन मिल जाता है फिल सिस्टम इस बाइक में आपको एफ देखने को मिलता है जिसे फिल इंजेक्टर भी कह रहे हैं प्लस आपको बताना चाहूँगा इसमें दोस्तों आपको बोर से सिक्सटी थ्री एम एम है स्टोक साइज फिफ्टी एम के आसपास की मिलेगी ये बाइक दोस्तों पाँच गियर के साथ में आती है और आपको बता दो इसमें भाई आपको ई ट्वेंटी बी एस सिक्स मोहम्मला जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा एक चीज़ बहुत अच्छी दोस्तों कि इसमें आप लोगों को जो है ना होंडा का इंजन मिल रहा था जाहिर से है होंडा की जो इंजन क्वालिटी भाई वो आपको इस बाइक में जो है बहुत सुपर देखने को मिल जाएगी सो तो दोस्तों इस बाइक का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन चलिए बात कर लें इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में देखिए माइलेज ना आपके राइडिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा राइड करते हैं क्योंकि हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है वो काफी अलग होता है बट ये बाइक आपको मिनिमम फिर भी 55 टू तो 60 के आसपास का माइलेज से ऑफर कर देती है जीरो टू तो हंड्रेड में दोस्तों इस बाइक को लगभग मेरे हिसाब से लगता है आ, जीरो टू तो हंड्रेड में आ, जीरो टू तो सिक्सटी में छः सेकेंड टॉप स्पीड आपको एक से एक किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इसकी मिल जाएगी अब आता है इसके रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ आप पे आपको फंडा की बैचिंग मिल रही है यहाँ पे आपको एक एस पी वन की बैचिंग मिल रही है इसमें आपको सेल्फ सेल्फ प्लस की दोनों आपको स्टार्टिंग मिलेगी रियर में दोस्तों जो टायर से जाते हैं आपको हंड्रेड एटी सो के टायर से जाते हैं इंच के साथ में और रेप देख पा रहे जो सस्पेंशन है ये भी बहुत अच्छे मिलेंगे सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पे आपको तीन का के मिलता है कंपनी तो ने काफी अच्छे सस्पेंशन इसमें दिए हुए ये बाइक का एग्जॉस है एक्जॉस बहुत अच्छा है प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा मिलता है प्लस एक्जोस की बिल्ड क्वालिटी भी आपको बेहतर मिलेगी दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी रियर फुटरेज है वो फ्रंट फुटरेज है फ्रंट फुटरेज की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी रियर में जरूर आपको यहाँ पे जो है ड्रम ब्रेक इसमें देखने को मिल जाता है मैं देखेंगे दोस्तों आप रियर में इसमें आप लोगों को जो टेल लाइट है आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिलता है कंपनी ने काफ़ी अच्छी टेल लाइट यहाँ पे ऑफ़र की है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज़ फुटरेज फुटरेज आपको लेडीज़ भी मिलते हैं और यहाँ पे आप काफ़ी जो है कम्फर्टेबली और जो अपनी फैमिली के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं ठीक यहाँ पर दोस्तों बाइक का सीट है सीट की फोल क्वालिटी ये भी आपको यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी इसकी लेंथ भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है यह बाइक का टैंक डिजाइन है यहाँ पे दोस्तों हमें ई ट्वेंटी की बैचिंग मिलेगी बात करें इसकी स्पीडोमीटर के बारे में दोस्तों स्पीडोमीटर में इस बाइक में आपको फुली जो है डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसमें आपको फीचर दोस्तों काफ़ी सारे मिल जाते हैं जैसे स्पीडोमीटर है ऑडोमीटर है क्लॉक है फ्यूल गेज है गेर इंडिकेटर है सर्विस रिमाइंडर है डिस्टेंस टू एम टी इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा यानी कि फीचर वाइज भी दोस्तों ये बहुत अच्छी आती है कंपनी ने काफी सारे फीचर इसमें ऑफर किए हैं दो फीचर जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों सीचर्स ने पांच चीज टर्न सिंगल है यू हॉन है यहाँ पे आपको इंजन गिल्स प्लस एक सेल्फ का चीज आपको बाइक में मिल जाता है बात करें इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो टू जीरो टू जीरो एम एम की है सेवन एट फाइव एम एम की ओवरऑल आइट डबल वन जीरो थ्री एम एम का नॉनस वन सिक्सटी एम एम का विल बेस आपको इसका लगभग बारह सौ पचासी एम एम के आसपास का देखने को मिल जाता है तो ये तो दोस्तों ब्रांड न्यू होंडा एस पी वन ट्वेंटी फाइव का डिटेल स्पेसिफिकेशन रिव्यू आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बाइक कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना चलिए उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मिलते हैं फिर